पेमेंट हमने अपने फर्स्ट यूट्यूब मनी से किया है। बहुत ही प्यारा एम्बियंस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रेनुका। अभी जस्ट हेयर वॉश और नहा के आई हूँ, इसलिए मैं ऐसी हालत में बैठी हुई हूँ। एंड रेना, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी हालत में बैठी है। रेना लगा के बैठी है, क्या लगा रखा है तूने? आई मास्क। जिनकी आंखें फ्लपी हो जाती है, लाइक सोते ही उठते फ्लपीनेस आती है आईज में, तो आप ये मास्क लगा सकते हैं। मास्क आपकी आईज को नॉर्मल कर देता है लाइक 15 to 20 मिनट्स में। जो रैना को बहुत इश्यू है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है रैना को। देन आज हम सोच रहे हैं कुछ ब्लॉगिंग करने का, बाहर कहीं जाने का, सिस्टर डेट करने का सोच रहे हैं हम वैसे। तो अभी आप देख भी रहे होंगे थोड़े एक्ने के मार्क, बट इससे पहले काफ़ी ज़्यादा एक्ने आ गए थे। अब तो स्किन केयर किया है तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है, लाइक ये देखने लायक भी नहीं था यहाँ पर। अभी काफ़ी दाने बैठ गए, ये कुछ रह गए एक्ने, पर आई होप टाइम के साथ ये भी चले जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, साइन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए रेडी होते हैं, दिखाती हूँ आज मैं क्या पहन रही हूँ। रैना ने क्या, रैना को तो आपने देख लिया क्या पहना है, पर चलो जब उठेगी तब भी दिखाते हैं। क्या बोला तूने? हैं? ड्रेसिंग बोरिंग है। माय गॉड, मुझे लगा मेरी ब्लॉगिंग बोरिंग कह रही है। मैं मारती से फ्रिज के ऊपर थोड़ा सामान रखा है, उसे इग्नोर करिए, वो मेरा थोड़ा स्किन केयर का सामान रखा हुआ है। चलिए रेडी होते हैं, मेकअप कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये भी मैंने थोड़ा आईब्रो बना रखा है और मॉइस्चराइज लगा लिया है। एक एडवाइस है, आप जब भी फेस वॉश करें तो कभी टोनर यूज़ करना ना भूले। तो मैं एज अ टोनर गुलाब जल यूज़ करती हूँ। तो ये अभी हम कल परसों लाजपत से लेके आए थे 50 रुपीज़ की ये बॉटल, और एक काफ़ी अच्छी बॉटल। फोटो क्लिक करनी है, वीडियो बनानी है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। तो बहुत अच्छा, अगर आपको पिक्स क्लिक करनी है, वीडियो बनानी है, एम्बियंस बहुत अच्छा। देखो मेरे पीछे की स्क्रीन कितनी अच्छी आ रही है, और ये रहना। तो आज हम आपको वीडियो के एंड तक रहना। हमने YouTube से अपना फर्स्ट परचेज कर लिया है, तो हमें उसे ऑर्डर करने में लाइक 3 to 4 मंथ्स लगे हैं। फाइनली मैंने उसे ऑर्डर कर दिया और आज वो आ चुका है, मुझे अभी कॉल आई थी। तो वीडियो के एंड में दिखाएंगे हमने क्या लिया अपने फर्स्ट यूट्यूब मनी से, और क्या करना है। तो मैं अपना OOTD दिखा देती हूँ। और बहुत ही प्यारा एम्बियंस है यहाँ का, जैसे कि आप डेकोरेशन देख पा रहे हैं, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ पे पौधे। रेनू का अपना OOTD चारों तरफ दिखाते हुए। बहुत ही प्यारा एम्बियंस है यहाँ का। तो अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये ड्रेस मैंने कब ली थी और कहाँ से ली थी। तो पहले भी मुझे टाइम मिल, मतलब सॉरी चांस मिल गया इसे पहनने का। तो देखते क्या खाना चाहोगे रेना? बर्गर। हाँ तो अच्छा, हाँ यहाँ का ना बर्गर बहुत अच्छा है। एक बर्गर मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा बर्गर बहुत टेस्टी है। अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन बर्गर ज़रूर ट्राई करना, और उनका एक शेक है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी है। सारे डेकोरेशन फोटो सेशन चल रहा है। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ डेकोरेशन लगा रखी है। अब ये रेनुका मुझे भी पिक्चर्स के लिए वहाँ तक लेके जा रही है। तो अब इसकी पिक्चर्स क्लिक करनी है मुझे यहाँ पे। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवा चुकी हूँ मैं। तो ये देखिए कुछ एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर करते हैं डिंग कैफे में, ये एंट्रेंस है। और हाँ, आप जब यहाँ पर आते हैं चाणक्यपुरी वाले डिंग कैफे में, तो यहाँ पर आपको एक ID प्रूफ दिखाना ज़रूरी होता है। इवनिंग में आते हैं ना, वीकेंड्स में आएंगे बिल्कुल शाम को 7-8 बजे, तो ये पूरा भीड़, ये सारा यहाँ पर भीड़ होता है, क्राउड बहुत होता है यहाँ पर। आज तो बिल्कुल खाली मिला है, और देख लिए अच्छे लग रहे हैं ना। और कुछ कहना चाहेंगे रहना? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मुझे खाना बहुत ही भूख लग रही है। आप तबाह क्यों लग रही है? तो तबाह बना के लेकर आई है आपने, एक वीडियो मुझे मेकओवर दे दिया, बाकी वीडियो में छोड़ दिया मुझे। ओ,
बर्ड्स की क्या डिमांड है कि मैं हर वीडियो में इसका मेकअप करके दूँ और हर वीडियो में से कपड़े भी डिसाइड करके दूँ। हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारे आगे डॉगी क्यों आ रहे हैं यार, ये वेट कर रहे हैं 10 मिनट्स का उन्होंने बोला है वेट करने को, तो आप जब भी डिगिंग कैफे आएंगे चैनल। अब हम दिखा रहे हैं आपको थोड़ा सा जो ये डिगिंग कैफे के आसपास जो एरिया है, तो ये रहना चल रही है। नाइस, तो ये बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। खाना कैसा लगा पहले? ओके ओके था, प्राइस ही लगा मुझे थोड़ा सा, नॉर्मल से थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि जो हमने फर्स्ट परचेज किया था, जो ऑर्डर किया था हमने, वो पहुँच चुका है घर। तो आपको घर जाके दिखाते हैं हमने क्या लिया। तो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, हमारे लिए काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी हमारे फर्स्ट पेमेंट से, बट जैसे कि हमें क्वालिटी देनी है आपको। और हम ये भी दिखाने वाले हैं कि उससे पहले हम किससे शूट करते थे। यू विल बी सरप्राइज्ड हम किससे शूट करते थे। और हाँ, गिव अवे हम देने वाले हैं, स्टे ट्यून नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा हम क्या गिव अवे दे रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं जितना हम दे सकते हैं। तो ये आ चुके हैं हम घर, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैंने सब कुछ निकाल के उतार के फेंक दिया, जल्दी से वीडियो को एंड करना था। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारा फर्स्ट परचेज आ चुका है, रहना आइए। ये हमारा फर्स्ट परचेज, ये हमने खरीदा है रिंग लाइट, जो कि इतना इतना बड़ा आया है। तो अगर आप जानना चाहते हो ये रिंग लाइट कितने की है, कैसी है, कैसे वर्क करती है, सो प्लीज कमेंट डाउन। और हाँ, मैं बता देती हूँ, रिंग लाइट जब हमारे पास नहीं थी तो हम किससे शूट करते थे, तो हम करते हैं इससे शूट। और कुछ कैमरा लगा देते थे, कैमरा के फ्लैश से हम शूट करते थे। हम डिंग कैफे गए थे तो उसकी पेमेंट एंड प्लस ये जो रिंग लाइट खरीदे, वो दोनों ही हमने अपने फर्स्ट यूट्यूब मनी से किया है। सो वी आर हैप्पी, हम सेलिब्रेट करना चाहते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। रुक जा।